हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल OA8 से गल्फ जॉब में। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं नई वैकेंसी लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी आई है वो आई है सऊदी अरबिया के लिए। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरबिया के लिए वैकेंसी है। यूनाइटेड मेटल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है ना। तो इसमें जो पोजीशन है दोस्तों, सेल्स सेक्रेटरी चाहिए एंड प्लानिंग ऑफिसर चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए। ये सभी पोजीशन है दोस्तों, सभी एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं और गल्फ रिटर्न वाले अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट को सेम फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नीचे जो सैलरी है दोस्तों, वो आपकी इंटरव्यू के टाइम पे डिसाइड की जाएगी। खाना पीना रहना मेडिकल ट्रांसपोर्ट सब कंपनी का फ्री है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और उसके बाद में आपको छुट्टी भी दी जाएगी। और इसमें जो ECNR पासपोर्ट वाले जो हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे नंबर भी दिया गया है, आप देखिए, कॉल कीजिए, अपने जॉब के रिगार्डिंग इंक्वायरी कीजिए, उसके बाद में आप अप्लाई कीजिएगा। नीचे ईमेल आईडी दिया गया है, अपना PDF फाइल बना करके आप इस पर भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है वो आई है दुबई के लिए आई है, और इसमें एस्परेटर चाहिए एंड पाइपिंग प्रिपरेटर चाहिए, ये 2 रिक्वायरमेंट है दोस्तों। एंड इसमें खाना पीना रहना सब कंपनी की तरफ फ्री है। और जो एक्सपीरियंस जो है, ऑयल एंड गैस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। CPR का तो जिसको एक्सपीरियंस है उसका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। बाकी आप नीचे नंबर देख सकते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, अपने जॉब के रिगार्डिंग इंक्वायरी कीजिए पहले, उसके बाद में अप्लाई कीजिए। नीचे ईमेल आईडी भी दिया गया है, अपना जो CV है PDF फाइल बना के इस पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है ये आई है दोस्तों सऊदी अरबिया के लिए है, और इसका 28 तारीख को इंटरव्यू होने वाला है, क्लाइंट इंटरव्यू। इसमें पोजीशन जो दोस्तों दी गई है, इसमें ट्रेलर ड्राइवर चाहिए एंड वेयर हाउस से पिकर्स चाहिए, ठीक है दोस्तों। 2 ही पोजीशन है, वेयर हाउस पिकर्स एंड ट्रेलर ड्राइवर, ये सभी रिक्वायरमेंट है सऊदी अरबिया के लिए। और जो इसमें जो वेयर हाउस पैकर्स वाले जो है रिक्वायरमेंट, उसमें 30 साल से ज़्यादा बंदे की नहीं होनी चाहिए एंड इंग्लिश भी आनी चाहिए, कैंडिडेट को इंग्लिश भी आनी चाहिए दोस्तों, तभी अप्लाई कर सकते हैं आप। और जो ड्राइवर के लिए वैकेंसी है, उसका सऊदी हैवी लाइसेंस होना चाहिए वैलिड, और 35 साल तक का एज वाला कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। बाकी आप देख सकते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, आप इंक्वायरी कीजिए अपने जॉब के रिगार्डिंग, और नीचे ईमेल आईडी भी दिया गया है दोस्तों, उसमें अपना डॉक्यूमेंट आप सेंड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है ये आई है सऊदी अरबिया के लिए है, और स्टील फैब्रिकेशन इंडस्ट्रियल गेंट्स्ट कंपनी है, ठीक है ना। एंड इसमें लॉन्ग टर्म जॉब रहेगा, इसका फर्स्ट वीक में इंटरव्यू होगा नवंबर में। तो इसमें पोजीशन जो दोस्तों बहुत सारी दी गई हैं, आप देख सकते हैं, टैंक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर चाहिए, पाइपिंग प्रोजेक्ट इंजीनियर चाहिए, टेक ऑफिस इंजीनियर चाहिए, पाइपिंग सुपरवाइजर, टैंक फैब्रिकेटर सुपरवाइजर, स्टील स्ट्रक्चर सुपरवाइजर, पेंटिंग सुपरवाइजर, इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन सुपरवाइजर, फॉरमैन, वेल्डिंग इंस्पेक्टर, वेल्डिंग सुपरवाइजर, वेल्डिंग फॉरमैन, पाइपिंग फॉरमैन, HSE सुपरवाइजर, HSE ऑफिसर, लैंड सर्वेयर, हाइड्रो टेस्टिंग सुपरवाइजर, स्काफोल्डिंग सुपरवाइजर, स्काफोल्डिंग इंस्पेक्टर, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर, स्टोर कीपर, डाटा एंट्री टाइम कीपर, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। रीगर जो है सेकेंड और थर्ड लेवल के अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैकेनिकल टेक्नीशियन चाहिए, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन चाहिए, ये सभी रिक्वायरमेंट है दोस्तों सऊदी अरबिया के लिए रिक्वायरमेंट है। और नीचे नंबर भी दिया गया है दोस्तों, इस पर आप कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए अपने जॉब के रिगार्डिंग, फिर अप्लाई कीजिए। नीचे ईमेल आईडी भी दिया गया है, तो अपना डॉक्यूमेंट आप इस पर सेंड कर सकते हैं। खाना पीना रहना सब कंपनी के द्वारा आपको फ्री मिलेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है दोस्तों, ये भी आई है सऊदी अरबिया के लिए, और इसका जो इंटरव्यू होगा 1 तारीख और 5 तारीख को होने वाला है, 1, 3 और 5 को होने वाला है। तो इसमें दोस्तों पोजीशन जो दी गई है, इसमें प्रोजेक्ट इंजीनियर चाहिए, सीनियर इंजीनियर प्रोजेक्ट सिविल वाले चाहिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर सीनियर इंजीनियर प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिकल वाले, प्रोजेक्ट इंजीनियर सीनियर इंजीनियर प्रोजेक्ट मैकेनिकल वाले, एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर सीनियर प्रोजेक्ट इंस्ट्रूमेंट वाले, टेस्टिंग एंड कमिशिंग इंजीनियर, रिलेज टेस्टिंग एंड कमिशिंग इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट सिविल वाले, सुपरिटेंडेंट मैकेनिकल, सुपरिटेंडेंट पाइपिंग, सुपरिटेंडेंट इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट वाले, कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजर सिविल वाले, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सभी
साइट मैनेजर चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर ईपीसी प्रोजेक्ट वाले, एंड प्रोजेक्ट कंट्रोल मैनेजर, प्लानिंग इंजीनियर सीनियर प्लानिंग इंजीनियर, कॉस्ट कंट्रोल इंजीनियर सीनियर कॉस्ट कंट्रोल इंजीनियर, सीनियर प्रोक्योरमेंट इंजीनियर मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट, कॉरपोरेट एस्टीमेशन मैनेजर, फैसिलिटी मैनेजर, ये सभी रिक्वायरमेंट है दोस्तों। मैनेजर की पोस्ट है, इसमें अच्छी सैलरी दी गई है। इसका इंटरव्यू होगा 1, 3 और 5 नवंबर को। सऊदी अरबिया की रिक्वायरमेंट है, बाकी आप नीचे नंबर दिया गया उस पर कॉल कीजिए, अपनी जॉब के रिगार्डिंग इंक्वायरी कीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए अपनी जॉब के रिगार्डिंग। नीचे ईमेल आईडी भी दिया गया दोस्तों, उस पर आप अपना ईमेल आईडी पर डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल बना के, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी आई है दोस्तों, ये वैकेंसी आई है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है ओमान के लिए। इसका 30 तारीख को इंटरव्यू होने वाला है। इसमें लॉन्ग जॉब जो है, लॉन्ग प्रोजेक्ट रहेगा, वो इलेक्ट्रिकल ट्रेनर इंजीनियर चाहिए। इसका ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाला है। तो इलेक्ट्रिकल ट्रेनर इंजीनियर चाहिए, कम से कम 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कैंडिडेट को, एंड खाना पीना रहना सब कंपनी के द्वारा फ्री मिलेगा। बाकी आप नीचे देख सकते हैं 6 दिन का ड्यूटी है, 7-8 घंटा ड्यूटी रहेगा, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। बाकी नीचे दी गए ईमेल आईडी पे अपना डॉक्यूमेंट आप सेंड कर सकते हैं। इसी में दोस्तों एक और रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट ओमान के लिए, इसमें जो है सेल्स इंजीनियर चाहिए एंड प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूटिव चाहिए, कंट्रोल पैनल टेक्नीशियन चाहिए। ये 3 रिक्वायरमेंट और है इसमें दोस्तों ओमान के लिए। बाकी आप नीचे देख सकते हैं 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कैंडिडेट को। बाकी नीचे ईमेल आईडी भी दिया गया है, अपने डॉक्यूमेंट जो है आप ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं, और नंबर भी दिया गया है उस पर आप अपने जॉब के रिगार्डिंग इंक्वायरी कीजिए, उसके बाद में अप्लाई कीजिए किसी भी जॉब के लिए, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, 30 तारीख को इसका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है ना।